बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। खबर नागौर से है, जहां की सदर थाना पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए एक दिन पहले हुई बुजुर्ग तुलसीराम की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। और तुलसीराम की हत्या के आरोप में पड़ोस में रहने वाली महिला गुड्डी बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उसके नाबालिग पुत्र को निरुद्ध किया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले नागौर में हवाई पट्टी के पास विनायक नगर में एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था। शव की शिनाख्त स्थानीय निवासी 60 वर्षीय तुलसीराम सीवर के रूप में हुई थी। शव की सूचना कोतवाली थाने में दी गई। शव मिलने की सूचना पर कोतवाल मनीष देवमय जाब्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन शव मिलने वाली जगह सदर थानांतर्गत होने के चलते सदर थाने को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर एसपी नारायण टोगस, एएसपी सुमित कुमार व डीएसपी नारायण बाजिया भी मौके पर पहुंचे थे। मृतक के सिर पर धारदार हथियार से हमले के निशान पाए गए थे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि पूछताछ के दौरान तुलसीराम के पड़ोस में रहने वाले गुड्डी बिश्नोई ने अपना अपराध कबूल कर लिया और हत्या करने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि पड़ोसी तुलसीराम से उसका और उसके बच्चों का रोज रोज झगड़ा होता था और इसी से परेशान होकर उसने तुलसीराम को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और मौका पाकर अपने बेटे के साथ मिलकर उसने कुल्हाड़ी और से वार कर तुलसीराम की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी गुड्डी बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है और उस मामले से जुड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं उसके एक नाबालिग पुत्र को भी निरुद्ध किया गया है। मॉर्निंग के अंदर कोतवाली थाने को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई व्यक्ति की लाश पड़ी है और जिसके ऊपर सिर पर धारदार हथियार पे चोट लगी हुई है। जैसे ही सूचना मिली, मैं और मेरी पूरी जो टीम है डीएसपी टीएसपी से चोट मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर बॉडी का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस व्यक्ति की धारदार हथियारों से हत्या की है। पूरी टीम को लगा के मात्र 3 घंटे के अंदर इस अज्ञात जो हत्यारे थे उनका पता लगा के और जो मैन मुख्य जो अभियुक्त थे उसको हमने डिटेन किया और रात्रि में उसकी गिरफ्तारी की। और दूसरा जो उसके सहयोगी उसका पुत्र था जो नाबालिग होने के कारण उसको डिटेन करके आज बाल औपचारिक होने के कारण उसको न्यायालय में पेश किया गया। सर, हत्या का मेन कारण क्या था? हत्या का मुख्य उद्देश्य जो मृतक था उसका इस औरत के साथ में हमेशा तंग परेशान करना, उसके जो जानवर है उसको इधर उधर कर देना और उसको हमेशा किसी न किसी बहाने उसको कभी गाली को बनाने की कुछ करना और उसको प्रताड़ित करने का। फिर वो सुमंदर सिंह तीसरा नाम लिखवाया गया था नामजद, इसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने ये आशंका जाहिर करते हुए कि सुमंदर सिंह का भी इसके घर पर जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर आना जाना है। हो सकता है कि उसने और उसके मिलकर इसके साथ में वारदात की। इन्वेस्टिगेशन में अब तक के इन्वेस्टिगेशन में समुद्र सिंह का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और कोई तथ्य सामने आएंगे तो उस प्रकार से आगे कार्रवाई कर ली जाएगी। इससे बताया जा रहा है कि जो महिला थी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी भी कर रही है। इसका जो इसके घर पर जो आने जाना था सुमेश सिंह का, वो मादक पदार्थों का जो उसमें पहले भी अरेस्ट हो रखा है वो ऐसी कार्रवाई करता था और अक्सर इसके घर पर ही रहता था, तो निस्संदेह इसका भी उस ऐसे मादक पदार्थ बेचने या रखने में कहीं ना कहीं सहयोग था। और इसी को लेके अड़ोस पड़ोस में भी इसका विरोध होता था और कभी कभी ये जो मृतक है ये भी इस बिंदु के ऊपर इस जो है आरोपिया इसका भी विरोध करता था।